मैं जगदम्बा ये टमाटर का जूस बनाने जा रही हूँ। इसको पहले टमाटर सबसे पहले धोने चाहिए साफ। धोने के बाद इनको पतला पतला काट दो, बारीक बारीक काट के, और बारीक बारीक काट के इसको बारीक बारीक काट के इसमें जैसे हम काला नमक, बर्फ, चीनी, नींबू सब डाल सकते हैं। इससे रात को पीने से पेट भी साफ हो जाता है और शरीर में ताकत भी आती है। इसके साथ साथ अगर जिसको पुदीने का स्वाद, पुदीना भी डाल सकते हैं। दिखाई नहीं मैंने, ये नींबू काटा और नींबू के बीज हटा के नींबू के बीज हटा के नींबू डाला इसमें। ये जूस तैयार हो गया। इसके बाद अगर छानना हो तो छान भी सकते हैं, और मैं इसको छानती नहीं हूँ, छानती नहीं हूँ, छान के भी हम इसको पी सकते हैं और बिना छाने भी पी सकते हैं। इसमें हम थोड़ा काला नमक डालेंगे, और फिर ठंडे करने के लिए बर्फ भी डाल सकते हैं। और ये दो तरह का बनता है। अगर आपको मीठा पसंद है तो चीनी डाल के भी बना सकते हैं, और काला नमक डाल के, नींबू डाल के, पुदीना डाल के, ताकि ये शरीर को बहुत ठंडक पहुंचाता है और पेट भी साफ रखते हैं। बच्चे बड़े शौक से पीते हैं, जो हमारी माँ हैं घर में अम्मा, वो भी बहुत शौक से पीती हैं, और मैं हर तीसरे चौथे दिन बनाती हूँ।